पूरा यकीन है कि ये अस्थियां आपकी बेटी की है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास मैं नहीं कर रही, आपकी बेटी कर रही, बल्कि शायद वो बहुत ही वाहियात खेल खेल रही। यस, रितु मुझे बता रही थी कि तुमको ऐसा लगता है कि मेरे बेटे जिंदा है ना? अगर ऐसा होता ना रुचिता, तो इस दुनिया में मुझसे ज्यादा खुश और कोई नहीं होता। जिस बच्चे को जन्म दिया उसके मृत शरीर को देखना एक माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम हम सबको ये झूठा दिलासा देकर निहार को बचाना चाहती हो, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। तुमको पता नहीं है कि मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। जितनी ऊंची आपकी पहुंच है ना, उससे भी कहीं ज्यादा ऊंचा मेरा विश्वास कि मेरे पति निर्दोष। मैं अपनी बेटी की मौत का बदला लेकर रहूंगी और मैं अपने पति को बेगुनाह साबित करके रहूंगी। जितना निहार ने मेरी बेटी का खून बहाया है ना, उतने ही खून के आंसू मैं उसे रुलाऊंगी। हिम्मत है तो रोक के दिखाओ मुझे। रोक तो आप भी नहीं पाएंगे मुझे सच बाहर लाने से। एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगी मैं, लेकिन अमृता के खून पर पड़ा काला पट्टा मैं हटा कर रहूंगी। अजय आप कर जाइए, मैं आती हूँ। चलिए बेटा। हेलो। हाँ, कितनी देर में लेकर आ रहे हैं अपने हार को? यहाँ सारी तैयारियां हो गई हैं। क्या हुआ पूनम, चुप हो, कब तक आ रहा है? आपका चुटकू नहीं आ रहा मज। अमृता की माँ ने उसकी पेल रद्द करवा दी। ये कोई जगह है ठेला रखने की? हाँ, हटाइए इसे। जी हटाइए आप ही। जी, जी जी अभी अभी हटा रहा हूँ, जल्दी कीजिए। मुझे किसी भी तरह उन अस्थियों तक पहुंचना है। बाबा। ये रुचिता बेटी तुम? बेटा याद है तुम्हें, मैं तुम्हारे घर के पास सब्जी बेचा करता था। एक बार गर्मी से मुझे बहुत चक्कर आ गए थे,
तुमने मुझे शरबत और खाना दिया था, याद है तुम्हें? हाँ हाँ मुझे याद है बाबा, मुझे आज आपकी एक मदद चाहिए, आप करेंगे? बिल्कुल करूँगा, बोलो ना बेटा। What the hell? कार में तो आ गई मैं, उन अस्थियों तक कैसे पहुंचूं मैं?